And actor Sajid Ali sir. Sir, please come. Sajid Ali. Sajid Ali sir, yes. Sir. Yes, please come. Welcome in Jaipur, sir. Once again. Ek baar phir se aapka swagat hai. Thank you. Yes, aiye. Preety ma'am. Team of Laila Majnu. Yes, और हम जानते हैं अविनाश और तृप्ति जी आप भी डेब्यू कर रहे हैं और साजिद सर भी डेब्यू कर रहे हैं इस मूवी से इम्तियाज सर एक्चुअली एंड इम्तियाज सर एंड प्रीति मैम आप न्यू कमर्स के साथ ये मूवी बना रहे हैं थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट होता है ये सुना था मैंने थोड़ा सा रिस्की प्रोजेक्ट है प्लीज सर आपने ये भी सुना होगा आजकल माइक पकड़ने में भी रिस्क है तो फिल्म इंडस्ट्री में तो रिस्क है ही लोग यहाँ पैशन की वजह से आते हैं जो भी पैशनेट काम होता है उसमें रिस्क जरूर होता है न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनाना भी रिस्क है पुराने लोगों के साथ फिल्म बनाना भी रिस्क है मगर यूजुअली क्या होता है कि जो लव स्टोरीज होती हैं फ्रेश लव स्टोरीज होती हैं वो जब नए लोगों के साथ बनाई जाती हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है एक्चुअली बिकॉज अब वो बहुत बड़े स्टार्स हैं मगर जब सलमान खान और आमिर खान जब उन वो आए थे तो वो उस तरह की लव स्टोरीज थी जिस तरह की ये है लैला मजनू मैम आपसे भी सेम क्वेश्चन मेरा हेलो सो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी अच्छा करने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमें नए टैलेंट को हमेशा प्रेजेंट करते रहना चाहिए सो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है बट आई एम श्योर दैट इट विल ओनली इंक्रीज एंड और न्यू कमर्स है तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंज होता है क्या प्रेशर होता है उस टाइम माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट से पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लैला मजनू की कहानी क्योंकि हमारी नहीं है वो तो हमारे पूर्वजों से भी पुरानी है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उसको उस पर अपना टेक देने पे महसूस हुआ उसको लिखने का क्योंकि मालूम है वक्त और ज़माना जज करेगा राइट ओके ट्रिप्टी यस कैसी है लैला आज की आज की लैला काफ़ी अलग है आज के ज़माने की जैसी लड़कियां हैं उन्हीं की तरह है पर खैर जब मुझे पता चला था कि मैं लैला का किरदार निभाने वाली हूँ तो मेरे दिमाग में अलग छवि थी इस लैला की मुझे लगा था काफ़ी ही कंट्रोल काफ़ी शाय किस्म की लड़की होगी बट ऐसी बिल्कुल नहीं है फ्लर्ट करती है अपने पीछे लड़के घुमाने में मज़ा आता है अटेंशन सीकर है जो कि हम सभी होते हैं और इतनी बड़ी लव स्टोरी का हिस्सा है पर शायद उनमें से है जिनको प्यार का मतलब भी नहीं पता उसको बस चाहिए कि कोई हो साथ में कोई साथी हो जिसके साथ वो कुछ बातें कर पाए कुछ कर पाए और काफ़ी खुश मिजाज लड़की है सपनों की दुनिया में रहती है सपने देखना पसंद करती है उसके दिमाग में उसकी अपनी स्टोरी चल रही है जिसकी वो खुद ले लें तो इस तरह का कैरेक्टर है अविनाश कैसे लैला को फंसाया हेलो और आज के मजनू को लैला को फंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ी वो फंसने के लिए तैयार थी इंतज़ार में बैठी थी कि कोई फंसा ले हाँ तो फंसाने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं है इसीलिए हो गया हाँ मतलब यस आप लोग ले सकते हैं अपने क्वेश्चन अब बताया सर आपके जहन में दोबारा लैला मजनू बनाने का ये आया है 1976 में ऋषि कपूर और जिन्हें तमान के बाद में ये फिल्म दोबारा बन रही है क्या सोच के क्या क्या है इसमें एक्चुअली ऋषि जी की फिल्म मैंने देखी नहीं है ऋषि जी वाली और मगर उसके जो विजुअल्स देखे हैं ऐसा लगा था कि ये उसी वक्त की अरब में बेस्ड कहानी है ऐसा माना जाता है कि लैला मजनू जो दरअसल कैरेक्टर्स थे वो कहीं अरब में थे
ایک تو نئی چیز یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں, آج کے ہندوستان میں, آج کے کشمیر میں ہیں. اور نئی بات ہونا ضروری نہیں ہوتا. میری مین ایک, جیسے کہ ایسا اکثر مانا جاتا ہے کہ ایک ہی کہانی بار بار دہراتی ہے اپنے آپ کو الگ الگ طریقے سے. تو لیلا مجنو کی جو کہانی ہے وہ اگر چل ہی رہی ہے ہزار سال تک, تو یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ ہر وقت کے لیے ویلڈ ہے, آج کے لیے بھی ہے. تو یہی تھاٹ تھا اس کو پھر سے بنانے میں. وہ پیار اور آج کے پیار میں کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. آئی تھنک ہر وقت لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کا زمانہ بدل گیا ہے, آج پیار ختم ہو گیا ہے, مگر ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. بیکاز کل اسی بات کے بارے میں, اسی وقت کو یاد کر کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے وقت میں پیار تھا. وہ جنون دیکھنے کو ملتا ہے یوتھ میں. آج معنی بدل گئے ہیں, پیار کے معنی بدل گئے ہیں. کیا لگتا ہے میرے کو ایسا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, اس سمے جنون ہوا کرتا تھا پیار کے لیے, مر جاتے تھے ایک دوسرے کے لیے جو مر بھی چکے. آج ان کی یاد میں مزار بھی بنی ہوئی ہے راجستھان میں, لیکن آج وہ پیار دیکھنے کو نہیں مل رہا. آپ نے ان میں کیا دیکھا؟ دیکھیے, وہ تو ہزار سال کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آج کے زمانے کے کون سے پریمی ہیں جن کی کہانی رہ جائے گی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ جنون ایسی چیز ہے جو کم ہوتی جا رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ وحشت اور پاگلپن اس دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا, جیسے یہ بولے کہ میں بتاؤچن کو نہیں جانتا. دوسری بات, ایک ادھارن کے لیے میں نے ادھارن دیا ہے کہ آپ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے میڈیا کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھی نہیں فلم, بنا شودھ کیے نام آپ نے اس کا لے لیا ٹائٹل, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مطلب دیکھی ہی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی باتوں پہ وشواس نہیں کیا جا سکتا. تو مت کیجیے آپ وشواس, مت کیجیے. تھینک یو. آپ بتائیں کہاں کہاں پکچرائز کی ہے اس کو, اس فلم کو؟ جی نہیں, ہم نے بھی, میں نے فلم نہیں دیکھی ہے. بچپن میں بڑھتے وقت میں نے گانا ضرور سنا ہے, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بٹ میں نے فلم نہیں دیکھی. ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا پریت اس میں, ترپتی میں, کہ میرے دیوانے کو نہیں مارے؟ جی ہاں, اس میں کیا ہے کہ مجھے وہ سین بہت پسند ہے, اور انہوں نے مجھے میرے خیال سے بہت اچھا کیا ہے والا سین. گانا نہیں ہے, گانا اسی وقت شروع ہوتا ہے جب پتھر پڑتا ہے مجنو کے سر پہ, مگر کوئی کسی اور طرح کا گانا ہے. پھر ایک اور سین ہوتا ہے جب یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کو کہ کس نے پتھر مارا, مگر بہت غصے سے کہہ رہی ہوتی ہیں. تو تھوڑا بات وہی ہے مگر کسی دوسرے انداز میں پیش کی گئی. جی ہاں, کشمیر میں پوری فلم آدھارت ہے, وہیں شوٹ ہوئی ہے. کشمیر ایک تھوڑا سا ایک فیلنگ آتی ہے وہاں پر, جیسے کہ وہ وقت میں تھوڑا سا سسپینڈڈ ہے. ایک اولڈ ورلڈ چارم ہے, ایک روحانیت ہے جو کہ وہاں پہ اس کی ہوا میں محسوس ہوتی ہے. تو یہی سب ریزن تھے خاص ریزن. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ لیلا مجنو صرف ایک فلم کا نام نہیں ہے, یہ کہانی کا نام ہے. تو کسی فلم کا نام لیا ہم نے یا کیا کیا پتہ نہیں, ایک ہزار سال پرانی کہانی ہے یہ, اس کا نام ہے لیلا مجنو. اس فلم سے ڈیفرنٹ ہے, بالکل الگ. میں نے بھی ایکچولی نہیں دیکھی ہے. سر آپ کی ہم لوگ دیکھیں گے. امتیاز صاحب, ایک سوال آپ سے, آپ کی ہر فلم میں ایک لیلا ہوتی ہے, ایک مجنو ہوتا ہے, کیا وہ رشتہ لے لیں, جب کہ بیٹھ لے لیں, اتنی پرانی فلم میں لیں لیلا مجنو دونوں موجود ہیں, دیکھیے بہت زیادہ الگ ہو جائے گی تو پھر وہ لیلا مجنو ہی نہیں رہے گی, ہے نا؟ تو ہم کو آبویسلی اس کہانی کے تحت رہنا ہے کہ جو کہانی لکھی گئی ہے, تو کہانی تو وہی ہے, بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایگزیکٹلی اسی کہانی کو بنائیں جو کہانی ہزار سال سے چل رہی ہے, لوگ سنتے آ رہے ہیں, جس کی کتھا ہوتی ہے, گانے بنتے رہتے ہیں جس کی طرف سے. تو الگ یہ ہے کہ آج کا زمانہ اگر الگ ہے تو آج کے زمانے کے یہ کیریکٹرز ہیں, تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی آنیسٹ فلم ہے, کافی مطلب جس میں پہلے زمانے میں تھوڑا میلو ڈراما ہوتا تھا, ناٹکیہ پن, ہم اس وقت اس آج کل تھوڑا کم ہو گیا, تو آج کے زمانے کی فلم ہے. آئی تھنک اس کا جواب تو ان دونوں کو دینا چاہیے, ساجد اور اویناش کو. آپ نے بنایا ہوا مجنو, بنانے والے کو, لکھنے والے کو, بنایا نہیں جاتا, وہ بن جاتا ہے ان کے ہاتھوں بنا ہوا. بتائیں سر, کشمیر کی وادیوں میں آپ نے اس کو, وہ ایکچولی
कश्मीर की वादियों ने ही सब काम कर दिया, तो ज्यादा मेरे किसी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी इनको. वो जगह ही काफी, कश्मीर की जो वादियां हैं जहाँ पर हम लोगों ने शूट किया था वो पूरा सीक्वेंस, वो खुद ही काफी पागलपन भरी है, जुनूनी है. तो वहां पर आपको बस थोड़ा सा अपने दिल और आँख खोल के बस देखने और महसूस करने की जरूरत है और बाकी सब खुद ही आ जाता है. बाल और दाढ़ी बढ़ाने में तो मैंने कोई मेहनत नहीं की, वो ऊपर वाला कर रहा था. थोड़ा सा ये था कि बिकॉज उसमें वो जंगलों में चला जाता है और कमज़ोर हो जाता है थोड़ा, तो थोड़ा खाना पीना बंद करना पड़ा. और बाकी जहाँ मेंटल इमोशनल चेंजेस हैं वो कुछ चीज़ें पढ़कर, कुछ चीज़ें महसूस कर कर की. बाकी मैंने बस अपने डायरेक्शन का, डायरेक्टर का डायरेक्शन फॉलो किया और शायद आपको पसंद आया जो किया. आपको क्या उम्मीद है, पहले युद्ध की अब ये है, क्या इस फिल्म से क्या उम्मीद है? सर उम्मीद ये है कि इसके बाद एक और फिल्म करने का मौका मिले. तृप्ति आप बताएं कैरेक्टर के बारे में, अपने कैरेक्टर. जी जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, आज की ज़माने की ही लड़कियों की तरह है, काफ़ी फ्लर्ट किस्म की लड़की है, फ्लर्ट करने में मज़ा आता है, खुश मिजाज लड़की है, अपनी दुनिया में रहती है, ज़्यादा किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती. और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, इतनी बड़ी लव स्टोरी का हिस्सा है पर उनमें से है जिनको प्यार का मतलब ही नहीं पता, उसे बस जानना है, उसको जानने की इच्छा है कि प्यार होता क्या है. और जैसा कि आपने अभी ट्रेलर में देखा, कबूतर पहनती है तो कबूतरों के थ्रू वो उनका अपना प्यार महसूस करती है. ये आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कैसे. और बस ये कहना चाहूँगी, और इसके साथ साथ थोड़ी स्ट्रांग है काफ़ी, मुझे लगता है ये आपको सेकंड हाफ में देखने को मौका मिलेगा. उनमें से है जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर दे. नहीं, लैला मजनू का मजार की का मजार नहीं दिखाया गया है. इनफैक्ट जहाँ पे उसके पहले कहानी खत्म हो जाती है. आई थिंक टिंडर इज अ रिजल्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लैला मजनू. That they are there and they are looking for a way to communicate. अगर वो होते ही नहीं तो फिर टेंडर भी नहीं होता. आई डू थिंक दैट किसी भी ज़माने की तरह आज के ज़माने में भी पैशन है, लवर्स हैं और लैला मजनू है. When I write any story, I don't have actors in mind. It's only after the screenplay is over or after the basic story is over that I go looking or try to see who's fitting into the roles. In this story, I was very clear that we are going to have newcomers right from inception. So that was your call that you want? Yes. एक्चुअली मैंने इस फिल्म के पहले दो फिल्में और मैं शूट कर चुका हूँ वहाँ पे, रॉकस्टार और हाईवे. उन दोनों के दौरान और ये फिल्म तो पूरी वहाँ शूट होती है, उसके भी दौरान कहीं कोई आतंकवाद का नामो निशान नहीं नजर आया था. इम्तियाज जी, गानों के बारे में थोड़ा बताएं, आपने अलग हटके जो गाने इस बार दिए हैं, पहली बार ये सुनने को अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? मुझे ये शब्द हटके काफ़ी दिन के बाद सुन के भी अच्छा लगा क्योंकि मतलब हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं कि हटके वाला लफ्ज जो है ना वो इतना यूज़ करते हैं लोग कि अब हम कोशिश करते हैं ना करें यूज़. मगर इस फिल्म में दो नए न्यू म्यूजिक कैरेक्टर्स, इसमें इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो डेब्यू कर रहे हैं फिल्म में. एक तो नीलाद्री कुमार हैं जो बहुत प्रख्यात सितार वादक हैं और एक जॉय बरुआ है जो आसाम से हैं और दोनों की म्यूज़िक बहुत बहुत मेलोडिक है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि म्यूज़िक को लोग पसंद कर रहे हैं.
आजकल इम्तियाज सर एक मैं बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री में डेट्स को लेके सेक्रीफाइस किया जा रहा है एक दूसरे को ओबलाइज करने के लिए। आपके पहले मई में थी, फिर 24 अगस्त को थी, अब सितंबर पहुँच गई है। आपने जिस अनिल शर्मा जी के बेटे को लॉन्च के लिए आपने सेक्रीफाइस किया, वो पिक्चर बैठ गई, तो ऐसा क्या? मैंने एक्चुअली किया नहीं सेक्रीफाइस, मगर आप इसके खिताब मुझे देना चाहते हैं तो काफ़ी चल रहा है, क्लैश होती है एक दो मूवीज तो जी हाँ। अब क्या है ना कि हमारे फिल्में तो बढ़ती जा रही हैं, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, मगर साल के हफ्ते और फ्राइडेज तो उतने ही हैं, 52, तो ऑब्वियस है कि कभी ना कभी दो फिल्में साथ में ही आएंगी। आप तो जानते हैं कोई अब कभी कोई ऐसा हफ्ता होता ही नहीं जिसमें सिर्फ एक फिल्म रिलीज हो, तो कभी क्लैश होता है। अब सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले एक दूसरे के दोस्त भी हैं तो एडजस्ट भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इम्तियाज सर के साथ काम करने का मौका मिला था तो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। शूट करते टाइम मुझे याद है काफ़ी कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। देयर वाज दिस शॉट जहाँ पे मुझे सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना था, और क्योंकि मैं माधुरी दीक्षित मैम और काजोल मैम की फिल्में देखते देखते बड़ी हुई हूँ, तो मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेशन दे दिए। फिर मुझे कहा गया कि नहीं तृप्ति, अब तुम लैला कर चुकी हो, अब थोड़ा तृप्ति करो, थोड़ा सेटल करो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके साथ अच्छा लगा, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे।